खबर सगड़ी आजमगढ़ से है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हाजीपुर में जिला अधिकारी ने चौपाल लगाकर बाढ़ से बचाव की जानकारी दी, क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत पर नव निर्माणाधीन हाजीपुर गोला पुल का निरीक्षण किया। वहीं मुख्य अभियंता को दिशा निर्देश दिए। हाजीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार के दिन में 11 बजे जिला आपदा प्रबंधन के द्वारा राहत चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एडीएम वीर आजाद भगत सिंह ने आपदा के समय प्रबंधन, बचाव व राहत के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने आपदा में क्या करें क्या न करें पर विस्तृत प्रकाश डाला, जिसके बाद मौजूद ग्रामीणों को बुकलेट वितरित की गई। वहीं चौपाल में वज्रपात से बचाव है सुरक्षा के उपाय व सलाह दी गई, जिसमें मुख्य रूप से दामिनी आपदा प्रहरी व सचेत ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने की जानकारी दी गई, जो 20 से 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली की 10 मिनट पूर्व अलर्ट करेगा। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के समय मुख्य रूप से सर्पदंश, आकाशीय बिजली व नाव पलटने की आपदा के समय सावधानी और सलाह दी गई। वहीं चौपाल में विभाग बार बाढ़ खंड अभियंता धनंजय कुमार में बाढ़ से बचाव की तैयारी व कार्य लोगों को बताया तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी इंद्र नारायण तिवारी ने 30 लीटर पानी में 1 क्लोरीन की टेबलेट डालकर पानी को स्वच्छ करने व मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए संचारी व दस्तक टीम के द्वारा घर घर पहुंचकर आशा जागरूक करेगी की जानकारी दी। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी एसके सिंह ने पशुओं के टीकाकरण व गला घोटू के लक्षण व बीमार पशुओं को स्वास्थ्य पशु से अलग रखने के साथ एम्बुलेंस की जानकारी दी व टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कीजिए बताया। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व वितरण की जानकारी दी। वहीं DPRO श्रीकांत दर्वे ने बाढ़ के समय की तैयारी बताई। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा आपदा के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र विद्युत विच्छेदन व दुर्घटना पर कॉल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार शर्मा ने कृषि बीमा की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर व आपदा के समय बाढ़ चौकी पर अनुभवी सिपाहियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस दौरान ग्राम प्रधान देवारा खास, राजा प्रधान राम सिंगार, बांका ग्राम प्रधान हीरालाल यादव, प्रधान अरुण सिंह, हाजीपुर प्रधान सुभाष पटेल के द्वारा बंधा रिशा व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अंधेरी में डूबने की समस्या उठाई गई। इस दौरान सपा विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल ने भी बिलहिया ढाला व हाजीपुर गोला निर्माण की समस्या उठाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज चौपाल में सभी के सवालों का जवाब देते हुए विभागीय अधिकारियों को त्वरित रूप से समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। वहीं आपदा के समय गांव के युवकों को जागरूक व प्रशिक्षित करने पर बल दिया। राहत कैंप में आपदा से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। हमें स्वीकृति मिल जाए बाढ़ के दौरान या किसी भी आपदा के दौरान जो सबसे पहला बचाव है वो वहां की स्थानीय जनता करती है। आपसे बेहतर बाढ़ को कोई और नहीं समझता। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो हमारा युवक मंगल दल है, आज आपके द्वारा राहत चौपाल सगड़ी तहसील के बाढ़ इलाका क्षेत्र हाजीपुर में की गई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, किन किन बिंदुओं पर आपको समस्याओं से लोग अवगत कराए? आज की जो राहत चौपाल थी वो विशेष रूप से यदि इस क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ आती है तो उसकी तैयारियों के बारे में सभी संबंधित विभाग ने, यहाँ की जो जनता है, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराया और साथ में हम लोगों ने यहाँ के निवासियों से फीडबैक लिया कि क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो विशेष रूप से उन्होंने यहाँ एक निर्माणाधीन पुल है उसके कारण जो जल बहाव की समस्या होती है उसको इंगित किया है और विद्युत कटौती बाढ़ के समय जब हो जाती है तो वहाँ पर फिर क्या व्यवस्था हो सकती है इसको इंगित किया है। हम लोग जो समस्याएं इंगित हुई हैं उनके समाधान के लिए विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जो भी अनुबंध प्रयास है वो सर यहाँ पर काफ़ी जो कि लाइट पानी की है समस्या बहुत आती है तो इसको कैसे मतलब देखेंगे? नहीं, हम लोग इसमें जन सहयोग से पहले भी जब अगर विद्युत आपूर्ति कटती है तो जनरेटर या गैस सिलेंडरों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जाती है और अभी एक प्रधान जी ने सोलर
लाइट की व्यवस्था की बात नहीं है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहेंगे और अगर किसी शासकीय योजना में अनुमन्यता होगी तो प्राथमिकता पर इस क्षेत्र में कराया जाएगा। सर, अभी भी हैदराबाद से हाजीपुर तक बंधों में कई जगह लाइन कट बहुत बड़े बड़े बने हैं और अभी उसको भरा नहीं गया सर, बाढ़ आने वाली है। हम लोग इसका एक बार और निरीक्षण कर लेंगे और अगर अभी भी कहीं पे कोई समस्या है तो दिशानुसार तथा दिशा निर्देशों के क्रम में हम इस राहत चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपको बाढ़ से, सर्पदंश से या किसी भी प्रकार की आपदा के केस में, आपदा की स्थितियों में आपको कैसे बचाव करना है तथा किस प्रकार से आप अगर कोई आपदा या बाढ़ आ जाती है तो उसकी तैयारियों के संबंध में आपको बताया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने तहसील के तहसीलदार महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आपदा से संबंधित जानकारियां। आप किसी भी चीज के लिए कॉल कर सकते हो, किसी भी समय कॉल कर सकते हो। 8-10-12 मिनट लगेंगे आपके पास पुलिस को पहुंचने में और अगर वो पुलिस से आपकी मदद करवाएगा तो पुलिस करेगी क्या जिस विभाग कनेक्ट है उस विभाग को सूचित करेंगे और आपके पास जो भी मदद हो सकती होगी वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा समय होता है बाढ़ का समय जब हर आदमी हड़बड़ाहट में होता है और उसको लगता है कि जल्दी से जल्दी वो सुरक्षित स्थान में पहुंच सके, तो खास करके उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो पुलिस की और बढ़ जाती है। यहाँ पे बहुत से हमारे सिपाही ऐसे हैं जो लगातार ये ड्यूटी साल दर साल करते रहे हैं और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं सिपाहियों की, उन्हीं दरोगाओं की ड्यूटी लगाई जाए जो बाढ़ के समय ड्यूटी करने में यहाँ एक्सपर्ट हो चुके हैं, ताकि वो उसमें वो तैरना भी जानते हों, तैराक भी अच्छे हों, अगर नाव पर बैठा के किसी को रेस्क्यू करना है, निकालना है तो वो काम भी वो पहले कर चुके हों। इस प्रकार से ड्यूटियाँ यहाँ ऑलरेडी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको जो कागज दिया गया है मैं उसको पढ़ रहा था, ये खासकर वज्रपात से बचने के लिए जो उसमें उपाय दिए गए हैं, इस साल हम लोगों ने देखा है कि जो बिजली गिरती है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा है, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सारे उपाय लिखे हुए हैं जिससे बच के हम सुरक्षित रह सकते हैं। और हमें अगर लगता है वो उसमें ऐप तो आपको ADM साहब ने ऐप बताया, लेकिन आपको मौसम देख के पता चल जाता है कि बिजली कड़क रही है और बिजली से आपको खतरा हो सकता है, तो अगर उस टाइम पे आप इन उपायों पे ध्यान दें और जो इसमें मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं उन पर ध्यान देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूँगा कि अगर आपको कभी भी कोई समस्या महसूस होती है किसी भी तरीके से, चाहे आपको बीमारी की समस्या महसूस होती हो, आपको लगता है कि आपको जहरीले जानवर ने काट दिया है, आपको किसी प्रकार की डॉक्टरी मदद की आवश्यकता है, पुलिस की मदद की आवश्यकता है, आप 112 नंबर पर कॉल करिए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी, आपके पास थाना प्रभारी का नंबर होगा, जो लोकल चौकी इंचार्ज है उनके नंबर होंगे, सूचित करिए, आपकी ऑब्वियसली मदद की जाएगी, हर संभव मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।